पश्चिम बंगाल में एक स्पीड ब्रेकर है, स्पीड ब्रेकर। इस स्पीड ब्रेकर को यहां के लोग दीदी के नाम से जानते हैं। ये दीदी आपके विकास की स्पीड ब्रेकर है। साथियों, दीदी को गरीबों की चिंता नहीं है। आखिर दीदी गरीबों का पॉलिटिक्स करने में मशगूल है, वो गरीबी को खत्म करने के लिए कैसे काम कर सकती है? अगर गरीबी खत्म हो जाएगी तो दीदी की पॉलिटिक्स भी खत्म हो जाएगी। कांग्रेस का भी यही हाल है, कम्युनिस्टों का भी यही आदत है। इनको गरीबी चाहिए, गरीब चाहिए, गरीबों को गरीब रखने में उनका राजनीतिक हित भरा पड़ा है, इसलिए उन्होंने गरीबों के विकास पर ब्रेक लगाया हुआ है। केंद्र सरकार हैदराबाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को, यहां की मेट्रो को ओल्ड हैदराबाद में भी गति देना चाहती है, लेकिन वहां मजलिस नाम का एक बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर लगा हुआ है। उनको विकास की भाषा समझ ही नहीं आती, वो तो दिन रात सोते जागते सिर्फ उनको मोदी याद रहता है। ये चौकीदार उनको रात को सोने नहीं देता है। हां, जो सरकार चला रहे हैं उनका ध्यान आपके विकास पर नहीं, अपने वंश और वोट बैंक के विकास पर ही उनका ध्यान केंद्रित हुआ है। या तो वोट बैंक को मजबूत करने के लिए काम करेंगे, या तो अपने वंश के दूर दूर के रिश्तेदारों को भी मजबूत करने के लिए काम करेंगे। अगर यही होगा तो तेलंगाना मजबूत होगा क्या? आप सब मजबूत होंगे क्या? आपका भाग्य बदलेगा क्या? आपके सपने पूरे होंगे क्या? भाइयों और बहनों, बीते 5 वर्षों में मूसी नदी के एक तरफ तो विकास दिखता है, लेकिन दूसरी तरफ हैदराबाद की स्थिति जस की तस है। वहां न गलियां सुधरती हैं और न ही नालियां सुधरती हैं।